हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर, और यहीं से हम लोग उलगुलान जारी कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे बिरसा मुंडा ने अपने सपनों को, झारखंड के सपनों को साकार करने के लिए अपनी बलिदान दिए, और उनके नक्शे कदम पे, उनके पथ पर में हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। और आज की जो ज्वलंत मुद्दा है वो भाषाई आंदोलन जो हो रहा है, और जो डिमांड है कि यहाँ की 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा है, उसको सरकार अविलंब पूरे राज्य में लागू करें। साथ में जितने भी प्रिमिटिव ट्राइब है उनकी भाषा है आसूरी है, बिरहोरी है, उनको भी हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषा में लागू करें और साथ साथ में पूरे राज्य में लागू करें। और हम लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये सरकारें बनी, अपनी चुनावी वादे उन्होंने किया कि 1932 की खतियान के आधार पर झारखंडियों को चिन्हित किया जाएगा, और वो कहीं ना कहीं 2.5 साल बीत चुका है और सरकार अपने वादों के मुकर रही है, कहीं भी सरकार के तरफ से किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है कि हाँ 1932 की खतियान लागू किया जाए। और कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत समय दिया सरकार को, लगा कि हाँ कुछ नीति नियम कोरोना काल में बनना चाहिए, लेकिन इतने विलम्ब होने के बाद आज छात्र जो रोड पर आके आक्रोशित है और अपनी अधिकार की मांग कर रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि खतियान आधारित झारखंड में स्थानीय नीति बना जाए। इसके साथ साथ नियोजन नीति का भी जल्द से जल्द, इसके बाद नियोजन नीति झारखंडियों के युवा वर्ग के लिए, यहाँ के लिए नियोजन नीति लागू किया जाए जल्द से जल्द। लागू नहीं होगा तो आप लोग का कदम क्या होगा? हम लोग एक बृहद आंदोलन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए हम लोग आज यहाँ से प्रण लेने के लिए आए हैं, संकल्प लेने आए हैं कि बड़ा जो हम लोगों का विरोध प्रदर्शन होगा, शायद वो सत्ता और शासन को हिलाकर रख देगा। ये पूरे झारखंड में होगा आंदोलन, और आज हम लोग अल्टीमेटम दिए देने आए हैं कि एक महीना में जितने भी मुद्दे हैं, यहाँ 3 मुद्दा तो हम लोग का अहम है, साथ में दखलदानी का मुद्दा है, साथ में यहाँ पर CNT एक्ट की ज़मीन पे जिस तरह से हमारे जो बाहर से आ रहे हैं बाहरियों का जिस तरह से आक्रमण हो रहा है, और सेंटिट के ज़मीन का जो हमारे बिरसा मुंडा ने 1908 में बनाया उनका भी कहीं अनुपालन नहीं हो पा रहा है, तो उसे सख्ती से कड़ी से उनको लागू किया जाए, अन्यथा एक महीने में हम लोग अल्टीमेटम देते हैं, पूरे बृहद पैमाने में हम लोग आंदोलन करेंगे और शासन और सत्ता को हिला कर। आज बने 22 साल हो गया और अब तक यहाँ स्थानीय कौन है सरकार, किसी भी सरकार ने अब तक स्पष्ट नहीं किया। और हमारी मांग है कि जिस तरह का अब भाषा आंदोलन हो रही है, यहाँ स्थानीयता निजी नीति की बात हो रही है, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यहाँ स्थानीय कौन है। झारखंड को लोग चारागाह समझ लिया है, जब बंगाल बंगालियों के लिए, उड़ीसा उड़ियों के लिए, बिहार बिहारियों के लिए, तो झारखंड हमारे लिए बना है। यहाँ हमारे लोग, यहाँ के जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं, भगवान बिरसा मुंडा से लेकर सिद्धू कान्हू चांद भैरव, वीर बुद्ध भगत, सब ने यहाँ अपने बलिदान को, इस झारखंड राज्य को, यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए लड़ कर लिया। यहाँ के वीर सपूतों ने अपने अधिकार के लिए अपना जान को बहाया, लेकिन आज तक ये बात हमें संशय रखी हुई है कि स्थानीय कौन है, किसी भी सरकार है। खासकर मैं अभी के वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार में कहना चाहता हूँ कि ये हमारे आदिवासियों की सरकार है, और आदिवासियों ने 2019 में रघुवर दास की सरकार को, जो कि आदिवासियों के खिलाफ में काम कर रहे थे, उनको हटाकर हेमंत सोरेन को एक धरती पुत्र माटी पुत्र कहने के नाम पर उन्हें सत्ता बैठाया गया। लेकिन आज भी 2 साल हो गया, निश्चित तौर पर यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को ठगने का काम किया जा रहा है, और यहाँ पर आदिवासियों के अधिकार को, चाहे जन जंगल जमीन की बात हो, चाहे भाषा संस्कृति की बात हो, किसी भी अधिकार को सख्ती से लागू नहीं किया गया, जिसका विरोध हम लोग करते हैं। और आने वाले समय में यहाँ की सरकार से उसकी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर से यहाँ के युवा आज आंदोलनरत है, पूरे झारखंड में आज आंदोलन का माहौल बना हुआ है, और हमने भी आज फिर से वो आंदोलन के बिगुल फूंकना चाहते हैं। 9 मार्च को यहाँ से हम लोग बिरसा मुंडा समाधि स्थल से हम लोग यहाँ से पदयात्रा करेंगे, और बिरसा मुंडा संग्रहालय जेल मोड़ तक हम लोग जाएंगे, और सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार चेते और सरकार अपने आप में सुधार लाए, और यहाँ के आदिवासियों को खतियान आधारित स्थानीय नीति निजी नीति लागू करे। यहाँ की भाषा से जो 9 भाषा है, 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा जो है, उन्हें पूरी तरह से झारखंड में लागू करे। और प्रिमिटिव टाइप करने के लिए जो भी भाषा है, चाहे वो बिरोरी है, असूरी है, उन सारी भाषाओं को पूरे क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ पूरे राज्य भाषा का दर्जा दे, और युवाओं के लिए रोजगार नीति का भी वो अविलंब लागू करे। साथ में यहाँ पर जितने भी 4000 से ज़्यादा यहाँ पर आदिवासियों या आदिवासियों की जमीन की दखल देने का लंबित पड़ा हुआ मामला है, उसे सरकार अविलंब उन्हें कार्रवाई करे, और सरकार आदिवासियों की लूटी हुई जमीन को वापस करने का काम करे, अन्यथा पूरे राज्य में हम आंदोलन करने के लिए। स्थापना हुई थी
अपना नीति, अपना राज्य, अबुआ दिसुम अपना राज, अपना नीति, वो परिकल्पना अभी तक साकार नहीं हुई है। और आज पूरे झारखंड के युवाओं में अपने हक अधिकार को लेकर पूरी आक्रोश है, उसके बाबत हम लोग यहाँ पर एक बैठक कर रहे हैं। यहाँ से एक संदेश जाएगा पूरे झारखंड के एक एक जिला में कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। एक एक घर से वीर सिद्धू कानू, फूलो झानू। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।